नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीए न्यूज, देश का सच दिखाते हैं हम। झांसी शहर में कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में आज सरदार भगत सिंह की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य व अध्यक्षता शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंद वशिष्ठ ने की। सभा को संबोधित करते हुए प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि सरदार भगत सिंह हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए और देश के लिए अपने प्राण निछावर कर दिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए अरविंद वशिष्ठ ने कहा कि सरदार भगत सिंह और ने ब्रिटिश साम्राज्य राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी और लाहौर कांड में उन्होंने अंग्रेज अफसर जेपी सैंडर्स को मारा। उसी कांड में अंग्रेजों ने वीर भगत सिंह को फांसी की सजा सुना दी गई थी। सभा का संचालन राजेंद्र वेजा ने किया, आभार जितेंद्र भदौरिया ने व्यक्त किया। अन्य वक्ताओं में इम्तियाज हुसैन, सुलेमान मंसूरी, जिला सचिव गिरजाशंकर राय, प्रिंस कटियार अनिल विचारिया, मजहर अली, मेवालाल भंडारिया, दिलीप भदौरिया आदि ने विचार व्यक्त किए। और इतना गहरा कष्ट है हमें, क्योंकि हम लोग प्रशासन को हमेशा सहयोग भी करते रहे, लेकिन जिस तरह से आज हमें तरह का काम करना पड़ा उससे हमें बहुत कष्ट है। सबसे बड़ा कष्ट इस बात का है कि भगत सिंह की जयंती पर जब लखनऊ में कार्यक्रम हो गया और उस कार्यक्रम में भी कोई हम बहुत भीड़